चलिए, तो आज का जो टॉपिक है एक नया टॉपिक है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानकारी देने वाला वीडियो, जिस वीडियो में आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल नॉलेज फैक्ट से दोस्तों इस, ठीक है, इसमें आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, देखिए क्या है जो क्वेश्चन आपको बहुत सारा जानकारी देगा। देखिए, दुनिया में 11% लोग बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको ये बात पता है? ठीक है, मात्र 11%, मतलब कि अगर 100% लोग हैं इस दुनिया में दोस्तों, ठीक है, तो वो उसमें से 11% लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़, कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास अवेलेबल, जिस फ़ोटो में आप देख सकते हैं, जैसे कि बराक ओबामा जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे दोस्तों, ये जो थे ये भी जो थे लेफ्ट हैंडेड थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगस्त में सबसे ज़्यादा लोग पैदा होते हैं, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो पैदा कब होते हैं? अगस्त के मंथ में। और अगस्त के मंथ में जो लोग पैदा होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं दोस्तों। देखिए, ऑसम पीपल आर बॉर्न इन अगस्त दोस्तों, ये हमारा जो मतलब कि जोडियक होता है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जा रहा तो अगस्त में जो लोग पैदा होते हैं वो लोग बहुत ही ऑसम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औसतन लोग बिस्तर पे जाने के 7 मिनट में ही सो जाते हैं, क्या आपको ये पता है कि बहुत औस मतलब औसत कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 7 मिनट के लिए ही बेड पे जाते हैं और उनको नींद आ जाता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर कोई नहीं सो पाता जल्दी, लेकिन कुछ ही लोग हैं ऐसा, ठीक है, कुछ ही औसत के लोग हैं ऐसा जो बेड पे जाते हैं और उनको नींद आ जाता है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, खाने का स्वाद उसमें सलाइवा मिलने के बाद ही आता है दोस्तों। आप जानते हैं कि आप खाना खाते हैं तो खाना का स्वाद आपको तुरंत नहीं मिल जाता है, ठीक है, मिर्च भी चबाते हैं तो मिर्च में जब तक सलाइवा मिक्स नहीं होता है हमारे मुंह में, तब तक हमें तीखा महसूस नहीं होता है। ये देखिए ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि जहाँ से हमारा सलाइवा निकलता है और खाने में जाके मिक्स होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे चबाना शुरू करते हैं अपने दांतों से, वैसे ही वो सलाइवा मिक्स जाता है उस खाने में और उस खाने का स्वाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भालू के 42 दांत होते हैं, भालू आपने ज़रूर देखा होगा और सुना भी होगा भालू के बारे में, लेकिन क्या आपको ये पता था कि भालू के 42 दांत होते हैं, 42? देखिए, ये जो भालू है, जंगली भालू या जो भी कह लें, इन भालुओं का, जंगली भालू जो है इनका जो है दांत 42 होते हैं टोटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। शुतुरमुर्ग को आपने देखा होगा, बहुत सारा पार्क में अवेलेबल है ये, ठीक है, इसका जो आँख होता है उसका दिमाग से बड़ा होता है, यानी कि इसका दिमाग छोटा होता है और आँख जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इस फोटो को भी देख सकते हैं आपकी आँख कितना बड़ा है इसका और दिमाग कितना छोटा रहता है। ठीक है, आँख देखिए छोटा है और दिमाग, आँख जो है बड़ा है वो दिमाग छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में देखिए स्ट्रॉबेरी के मुकाबले अधिक शक्कर होती है दोस्तों, नींबू में शक्कर होती है, नींबू खट्टा होता है स्वाद में, लेकिन फिर भी आपको क्या ये पता है कि नींबू में शक्कर आने की चीनी का मात्रा होता है, ठीक है, लेकिन नींबू में ज़्यादा होता है, किसके मामले में? स्ट्रॉबेरी के मामले में। स्ट्रॉबेरी क्या होता है तो फोटोज़ देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा, ये रहा नींबू, नींबू में ज़्यादा होता है शक्कर किसके अपेक्षा, ये स्ट्रॉबेरी की अपेक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एस सी एस टी और OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, SC का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है, ST का होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और OBC का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्या आपको ये पता था दोस्तों? नहीं पता था तो आज का इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बहन का नाम क्या था? क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के का बहन का नाम क्या था? नहीं पता होगा तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। देखिए, एकांगा, भगवान कृष्ण का बहन का नाम था एकांगा, जो यशोदा की पुत्री थी, ठीक है, यशोदा की पुत्री थी वो, और सुभद्रा जो कि उसकी सौतेली और बलराम की सगी बहन थी।
ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको, इस तरह का जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो, और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इंसान एक दिन में कितनी बार सांस लेता है? क्या आपको पता है कि एक दिन में इंसान कितनी बार सांस लेता है? क्या आपको ये पता है कि एक मिनट में इंसान कितने बार सांस लेता है? तो चलिए आज बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, एक सामान्य व्यक्ति जो होता है ना, वो एक मिनट में 15 बार सांस लेता है लगभग, ठीक है, और छोड़ता है। तो इस तरह वह पूरे दिन में लगभग 21, ठीक है, यानी कि कितना, इक्कीस हज़ार 600 बार सांस लेता है और वो छोड़ता है, ठीक है। यानी कि एक सामान्य इंसान जो होता है वो 15 बार लगभग सांस लेता है और छोड़ता है एक मिनट में। तो पूरा दिन का अगर देखा जाए 24 घंटे में, तो 24 घंटे में दोस्तों एक इंसान जो है, ठीक है, 21,600 बार सांस लेता है और छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? क्या आपको पता है कि ट्यूबलाइट जो हमारे घर में होता है, ठीक है, वो ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है? नहीं पता होगा, तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट में मरकरी गैस होता है, मरकरी वेपर, आर्गन होता है, ज़ेनॉन होता है, नियोन होता है, या फिर क्रिप्टन होता है। ये सारी गैसों के मदद के कारण ही ये जो मरकरी होती है, वो मरकरी एकदम सफ़ेद चमकता है। आपको ये शायद पता नहीं था, लेकिन आज पता चल गया दोस्तों। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ, और अगर आप इस तरह की जानकारियों को चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। नेक्स्ट देखिए, ये जो है मरकरी है, जो कि मरकरी हम लोग जिसको ट्यूबलाइट कहते हैं घर में, है ना, इसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। तो दोस्तों, मरकरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मरकरी गैस भरा हुआ रहता है, या तो आर्गन, या तो ज़ेनॉन, या तो फिर नियोन, या तो फिर क्रिप्टन नाम का गैस इसमें भरा हुआ रहता है, इसलिए ये जो है वाइट वाइट चमकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों, आपने धोती तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि धोती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं पता है। तो दोस्तों, धोती को इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं। महात्मा गांधी जो थे, हमेशा धोती ही पहनते थे, ठीक है। तो धोती को इंग्लिश में कहते हैं लॉयन क्लॉथ, ठीक है। धोती को इंग्लिश में कहते हैं लॉयन क्लॉथ, ठीक है, याद रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने कई बार ऐसे सवालों को रख दिया जाता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो आपको जो है मूर्ख समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह से आप जुड़े रहते हैं मेरे चैनल से, तो मैं आपको ऐसा ऐसा जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको हमेशा हर जगह पे आपको एडवांस बनाता है। तो धोती को इंग्लिश में लॉयन क्लॉथ कहते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।